हेलो एवरीवन, टिकलेज मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम न्यू यूनिट स्टडी करेंगे मैट्रिसेस, और ये आज मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम मैट्रिसेस के सभी डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं। इट मींस आज हम आपके मैट्रिसेस के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा के देंगे, जो अगर आपके क्लियर हो गए तो आप मैट्रिसेस यूनिट बहुत ही आसानी से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मैट्रिसेस के सभी डेफिनेशन स्टडी करना है, इट मींस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस यूनिट पढ़ते समय सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैट्रिक्स का हो या मैट्रिसेस का हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब इसको अगर हम शो करेंगे तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे हमने कहा मैट्रिक्स ए, हम इसको कहेंगे मैट्रिक्स ए और हमें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हमें शो करना है और यहां पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमें यहां शो करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे सभी के सभी नंबर्स का ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और इसको एक ब्रैकेट में हमने फिट किया है, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। और ये है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को आप ए, बी, सी आप ऐसे शो कर सकते हैं और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको आप ए, बी, सी, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखेंगे मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू, हम इसके एलिमेंट्स यहां पे अब हम लिखेंगे दैट इज ए, बी, सी, डी। तो ये है मैट्रिक्स बी और उसके एलिमेंट जो है वो ए, बी, सी, डी, जो कि हमने स्मॉल लेटर में शो कर रहे हैं। तो ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमने आपको बता दिए। अब हम सेकंड चीज पढ़ेंगे। सेकंड है रो और कॉलम। अब ये रो और कॉलम क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को आप रो कहेंगे और वर्टिकल एलिमेंट्स जो आपने यहां पे सेट किए हैं, वर्टिकली जो आपने सेट किए हैं उसे कहते हैं कॉलम। ये देखिए यहां पे कितने रो है और कितने कॉलम है वो आप चेक करो। यहां पे ये जो रो है, ये देखिए ये रो है 1 2 3, यहां पे एलिमेंट्स हमने हॉरिजॉन्टली सेट करा के रखे हैं। तो ये है रो 1, यहां पे रो 1, यहां पे है रो 2, ये देखिए ये है रो 2 और ये है रो 3। R1, R2, R3 हमने ऐसा लिखे हैं। रो माने क्या है? रो माने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को आप रो कहेंगे और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को आप कॉलम कहेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकली जो एलिमेंट्स हमने अरेंज करा के रखे हैं तो वर्टिकल अरेंजमेंट, इसका मतलब कॉलम। तो यहाँ पे ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये देखिए ये हो गया C1, हम यहां लिखेंगे इसको C2 और ये हो गया C3। देखिए ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 और ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। तो यहां पे 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो यहां पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और अगर हम 3 by 3 ऐसा हम लिखेंगे तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स के, ये देखिए हम यहां पे लिख के बताते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के बाहर में अगर यहां पे कहीं 3 by 3 लिखा है, 3 by 3 लिखा है, इसका अर्थ यह है कि यहां पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। पहला जो नंबर है वो इंडिकेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ रो और सेकंड जो नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है रो को और सेकंड जो नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 3 रोज है, 3 कॉलम है, इसका मतलब इसके अंदर 3 रोज है ऐसे और यहाँ पे 3 कॉलम्स है वो ऐसे। इट मींस वो 3 by 3 का मैट्रिक्स है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये 3 by 3 हो सकता है या 2 by 2 हो सकता है या 3 by 1 हो सकता है या 3 by 2 हो सकता है या 2 by 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने ये जो मैट्रिक्स बना के रखे हैं मैट्रिक्स बी, अगर आप ये मैट्रिक्स में चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स कितने रो और कितने कॉलम हैं? तो यहां पे 2 रो है और 2 कॉलम है। ये देखिए ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। इसका मतलब यहां पे 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2। और एग्जांपल आपको बताते हैं, एक एग्जांपल और है। देखिए ये मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स में हम लिखेंगे 3 2 1 5 6 8, ऐसे हमने एलिमेंट्स यहां पे रखे हैं। अब यहां पे चेक करो कितने रो है, कितने कॉलम है। तो यहां पे 3 रोज है टू कॉलम्स है। कैसे समझ में आ रहा है ये देखिए, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को कहते हैं रो और वर्टिकल अरेंजमेंट को कहते हैं कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में देखिए यहाँ पे 3 रोज है, ये रो 1, रो 2, रो 3। इसका मतलब यहाँ पे 3 रोज है, तो यहाँ पे अगर हमें इसका ऑर्डर लिखना है तो ये हो गया 3 बाय ये 2। 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कॉलम 2 है। कहाँ पे है ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। एक वर्टिकल अरेंजमेंट में ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। यहाँ पे 2 वर्टिकल अरेंजमेंट है तो यहाँ पे 2 कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पे 3 है। इसका मतलब 3 रोज है, इसलिए हमने लिखे 3 बाय 2। इसका मतलब 3 रोज और 2 कॉलम। इसी को एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे अरेंजमेंट दिया है, तो यहाँ पे कितने रोज है, कितने कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमें लिखना है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 3। इसका ऑर्डर हमने 2 बाय 3 लिखे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। कहाँ पे है ये देखिए, ये है रो 1 और ये है रो 2। देखिए यहाँ पे 2 रोज है, ये रो 1 और रो 2। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में 2 रोज है, और कॉलम देखो यहाँ पे कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। ये देखिए ये C1, ये C2, ये C3। यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए हमने इसका ऑर्डर लिखे 2 बाय 3। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स को अगर हमने लिखे हैं 3 6 8। देखिए बस इतना ही मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 1। इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3 बाय 1, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 रोज है और सिंगल कॉलम है। 3 रोज कहाँ पे है ये देखिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। 3 रोज है और यहाँ पे सिंगल कॉलम है। तीनों की तीनों वर्टिकली एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे सिंगल कॉलम है। तो ये हो गया 3 रोज सिंगल कॉलम, दैट इज 3 बाय 1। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, देखिए ए मैट्रिक्स, और अब हमने इसको ऐसा लिखा है 6 8 5। देखिए हमने इसको ऐसा लिखा, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 बाय 3। इसका ऑर्डर 1 बाय 3 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम है। ये देखिए यहाँ पे 1 रो है क्योंकि तीनों की तीनों जो है वो हॉरिजॉन्टली सेट करके हमने रखे हैं, तो यहाँ पे 1 रो है और यहाँ पे 3 कॉलम है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 बाय 3। इट मींस 1 रो और 3 कॉलम। तो फाइनली ये सभी के सभी एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझ गए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन स्टडी किए, देन हमने रो और कॉलम स्टडी किए, और देन हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्टडी किए। मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमने क्या बताए थे? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एक और डेफिनेशन हो सकता है, रो कॉलम अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है। तो ये सभी डेफिनेशंस के ये जो हमने एग्जांपल्स बताए, इसमें 2 और डेफिनेशन हम जोड़ना चाहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होता है, ऐसे मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहा हमने? द मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। उसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल तैयार है। ये देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। ये देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स ये देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए, ये हमने यहां लिखा है 6 8 5। 6 8 5 इट मींस एक सिंगल रो में सभी एलिमेंट्स हैं। हमने इसका ऑर्डर भी लिखे 1 बाय 3। सिंगल रो में सभी एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। और नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जो मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। जिसमें सिर्फ एक कॉलम रहेगा वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे है। ये देखिए ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है COLUMN। तो ये कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे है। ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है 3 6 8। दिखाई दे रहा है यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट जो है एक कॉलम है। इट मींस यहाँ पे एक ही कॉलम है। जो मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स में एक रो होता है उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये है रो मैट्रिक्स और ये है कॉलम मैट्रिक्स। तो इतने डेफिनेशंस के बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर ऑफ रोज माने रो की संख्या और कॉलम की संख्या जो मैट्रिक्स में सेम होती है, ऐसे मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। उसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। देखिए यहाँ पे 2 बाय 2 हमने क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स है। देखिए यहाँ पे ये एक रो है, ये एक रो है। देखिए यहाँ पे ये है रो 1 और यह है रो 2 और यह है कॉलम 1 और ये है कॉलम टू। यहाँ पे टू रोज है, टू कॉलम्स है, इसका मतलब रोज और कॉलम की संख्या सेम है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये एक मैट्रिक्स हमने लिखे, यहाँ पे 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। अगर यहाँ पे 3 रोज है, कहाँ पे देखिए ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, इसका मतलब यहाँ पे 3 रोज है और कॉलम यहाँ पे है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 बाय 3 ऑर्डर है, रो और कॉलम की संख्या सेम है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इन टू सफिक्स नोटेशन। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और उसके एलिमेंट्स अगर हमने ऐसा शो किए ए आई जे और बाहर में लिखे 3 into 3 दैट इज 3 by 3, और यहां पे हमने लिखे वेयर 1 less than or equal to i less than or equal to 3 और यहां पे 1 less than or equal to j less than or equal to 3, ऐसे में अगर हम यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे हम ये मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू हम यहां लिखेंगे A11 A12 A13, देन यहां पे A21 A22 A23, देन नेक्स्ट है A31 A32 A33। तो ये हमने मैट्रिक्स ऐसा लिखे, ये सफिक्स नोटेशन है। इसका क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पे लिखा है हमने A इक्वल्स टू, दैट इज जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो A के फॉर्म में है, और यहाँ पे I J लिखा है हमने, तो यहाँ पे हमने ये I और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो यहाँ पे I J, यहाँ पे हमने 3 by 3 लिखा है, इसका मतलब I की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 3 तक है और J की वैल्यू भी 1 से लेके 3 तक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है वेयर 1 is less than or equal to i less than or equal to 3, इसका मतलब i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक जाएंगी और j की वैल्यू भी यहाँ पे 1 से लेके 3 तक जाएंगी। तो हमने ये मैट्रिक्स को ऐसा लिखा है, मैट्रिक्स a इक्वल्स टू, ये हमने ब्रैकेट में लिखा, उसके एलिमेंट जो है वो स्मॉल a के फॉर्म में लिखे हैं और ये सफिक्स नोटेशन है। A11 A12 A13, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे ए आई जे, यहाँ पे भी आई जे, यहाँ पे भी आई जे। प्रॉपरली अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। देखिए ये मैट्रिक्स है 3 by 3 का, यहाँ पे 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। ये देखिए ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये 3 है, ये रो 3 है, और यहाँ पे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये रो 1 है, इसका मतलब रो नंबर 1 चल रहा है, ये रो नंबर 1 है, इसका मतलब i का वैल्यू 1 रहेगा। ये देखिए i के जगह यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे i j, तो ये देखिए i का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू यहां भी 1 है, i का वैल्यू यहां भी 1 है, बस j का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहां पे j का वैल्यू 1 है, यहां j का वैल्यू 2 है, यहां j का वैल्यू 3 है, क्योंकि देखिए a ऑफ ij के फॉर्म में होता है। यहां पे हम लिख के बता रहे हैं A ऑफ आईजे के फॉर्म में आपको हर एक पैटर्न जो है वो A ऑफ आईजे के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। I में आपको रो के नंबर्स मिलेंगे और J में आपको कॉलम का आपको नंबर मिल जाएगा। ये जो सफिक्स है, ये सफिक्स से पता चलता है कि वो एलिमेंट कौन से प्लेस का है। यहाँ पे A11 लिखा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजिशन का है। यहाँ A22 लिखा है, इसका मतलब ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम पोजीशन का है। यहाँ पे A32 लिखा है, इसका मतलब ये एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम पोजीशन का है। यहाँ पे A23 लिखा है, इसका मतलब ये एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम पोजीशन का है। यहाँ पे ये लिखा है ये A12, इसका मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पोजीशन का है। पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसकी अगर बात करें A31, इसका मतलब ये नंबर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से, तो ये बताने का अर्थ ये है कि यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ है वो देखो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है तो वो एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। क्या कहा हमने? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो का नंबर और कॉलम का नंबर अगर सेम है तो ऐसे एलिमेंट को आप डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। देखिए यहाँ पे A11, A22 और A33, ये जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स क्यों है? इनमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है कि यहाँ पे रो का नंबर कॉलम का नंबर सेम है। देखो 1 1, यहाँ पे भी देखो 2 2 लिखा है, मतलब रो का नंबर कॉलम का नंबर सेम है। यहाँ पे 3 3 लिखा है, इसका मतलब रो का नंबर कॉलम का नंबर सेम है। 1 1 2 2 3 3, जब रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम होता है तो ऐसे एलिमेंट्स को आप डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स को आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। इसका मतलब रो और कॉलम का नंबर मैच नहीं करता है तो वो सभी एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे यहां पे A12, A13, A23, A21, A31, A32 ये सभी के सभी जो नंबर्स है इसमें रो का नंबर कॉलम के नंबर के साथ मैच नहीं करता है तो ये सभी के सभी एलिमेंट जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो फाइनली ये हमने पढ़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इन सफिक्स नोटेशन। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। जो मैट्रिक्स के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं वो मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे मैट्रिक्स ए और यहां पे हम सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो करेंगे। जैसे 2 0 0 0 - 3 0 0 0 4 ये देखिए यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ये देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग सभी एलिमेंट जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल आपको बताते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इसमें हम लिखेंगे 3 0 0 6 ये हमने लिखे। यहां पे भी अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये जो पहला मैट्रिक्स था ये 3 by 3 का था और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये 2 by 2 का है, ठीक है। और यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो है। इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ गए। डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगर जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी करना है स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहा हमने? पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन डबल बताएंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए और हम यहां पे लिखेंगे 3 by 3 के फॉर्म में। 3 by 3 इट मीन 3 rows 3 column के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे और इसके एलिमेंट्स हम लिखेंगे 2 0 0 0 0 2 0 0 2। देखो हमने ये जो मैट्रिक्स लिखे ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने डेफिनेशन बताए थे जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 3 rows है 3 column है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये पहली बात। दूसरी बात ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो अभी हमने इसके थोड़ी देर पहले बताए थे। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो देखो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ये देखो ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? स्केलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है। देखो सभी डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 2 है, सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है। इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो हमने डेफिनेशन क्या बताए थे स्केलर मैट्रिक्स का? जो डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है ऐसे मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं 2 by 2 या 3 by 3। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू 3 by 3 के समझ लेते हैं -6 0 0 0 - 6 0 0 0 - 6। तो फाइनली ये हमने 3 by 3 का एक एग्जाम्पल लिखे। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं 9 0 0 9। ये देखिए ये हमने 2 by 2 का यहाँ पे एक 2 by 2 का मैट्रिक्स लिखे। यहां पे देखो सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, यहां पे भी सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जिसके हमेशा डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमें पढ़ना है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही है। अब इसका क्या अर्थ है और इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जो डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स यानी ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहा हमने? जो डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, इसका मतलब यूनिट रहता है। इसका मतलब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहां पे प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 नहीं है। तो अगर हम इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 दे देंगे, देखो हम इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स लिखेंगे 1 1 1। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये है यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स कहो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहो, एक ही है। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मैट्रिक्स ए हम यहां लिखेंगे 1 0 0 1। देखो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट 1 है। इसका मतलब ये एक यूनिट मैट्रिक्स है यानी ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हमने लिए थे 2 by 2। अब नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का। अब ये जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो है ऐसे मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। देखो 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स है, इट मीन ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, लेकिन इसके सभी एलिमेंट जीरो है तो ये एक नल मैट्रिक्स है या कहो जीरो मैट्रिक्स। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स 0 0 0 0, तो ये हो गया 2 by 2 का मैट्रिक्स, लेकिन ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A ऑफ 0, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स में देखो हम पहले यहां पे एग्जांपल लिख के बताते हैं। ये हम यहां पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखेंगे और हम यहां पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस आप चेक करना। हम यहां पे लिखेंगे 2 3 4 0 1 6 0 0 2। तो ये हमने एक एग्जांपल लिखे और यहां पे एक और एग्जांपल लिखेंगे 2 0 0 3 0 3 4 0 और यहाँ पे -2 6 4। तो ये देखो ये हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे समझ में आएगा कि ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है? देखिए जो मैट्रिक्स के लोअर एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहा हमने? जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। देखो यहां पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ये देखो यहां पे जो ये 3 0 है, तीनों जीरो को एक ट्रायंगल में यहां पे फिक्स करो तो ये एक जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल के देखो सभी के सभी एलिमेंट जीरो है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है, और ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है। ये देखो ये सभी जीरो को एक ट्रायंगल के अंदर फिट करो तो ये देखो ये ट्रायंगल के अंदर के सभी एलिमेंट जीरो है, ये ट्रायंगल के अंदर के सभी एलिमेंट्स यहां पे जीरो है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पे जो ट्रायंगल है ये नीचे ट्रायंगल है, यहां पे जो ट्रायंगल है वो ऊपर ट्रायंगल है। तो यहां पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है इसलिए इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहां पे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है तो इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हम इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जनरली कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बिल्कुल सिंपल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर एलिमेंट जीरो होते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर एलिमेंट जीरो होते हैं। ये आपको बस दिमाग में फिट करना है तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसी को आप दूसरे डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। कुछ बुक्स में दूसरा डेफिनेशन भी दिया है। इसका डेफिनेशन एक और है कि जो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के नीचे के कंपोनेंट जीरो है वो मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहां देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो है तो आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहो, और यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो है तो वो हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसके रो और कॉलम का पोजीशन अगर आप इंटरचेंज करेंगे, इट मींस एक्सचेंज करेंगे, इट मींस आप उसको स्वैप करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स को हम यहां लिखेंगे, ये देखिए 2 3 6 8 4 2। ये हमने मैट्रिक्स लिखे। यहां पे ये जो मैट्रिक्स है ये 3 by 2 का है, इसका मतलब इसमें 3 रोज है और यहां पे 2 कॉलम है, और अगर आपको इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, इट मींस अगर आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे a to the power t। ये देखिए a to the power t लिखे, इसका मतलब ये हो गया a ट्रांसपोज। तो अगर ये a ट्रांसपोज है तो आप इसको दूसरी तरह से भी शो कर सकते हैं। जैसे आप a डैश, अगर आप a के ऊपर डैश लगा देंगे तो भी ये a ट्रांसपोज होता है। तो या तो a डैश ऐसा लिखो या तो a to the power t ऐसा लिखो, तो a ट्रांसपोज मतलब a का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो वो क्या करना है आपको, आपको रो और कॉलम का पोजीशन एक्सचेंज करना है। इसका मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स रो में है वो यहां लिखते समय कॉलम में लिखना है, और यहां जो एलिमेंट्स कॉलम में है वो आप यहां लिखते समय रो में लिखना है। तो देखिए यहां पे 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, तो यहां पे रो में देखो 2, 3 लिखा है, तो जो यहां पे रो में है वो यहां पे लिखते समय कॉलम में लिखो। ठीक है, ये देखो रो 1 में 2, 3 है तो यहाँ कॉलम 1 में 2, 3 आया, यहाँ रो 2 में 6, 8 है तो यहाँ कॉलम में 6, 8 आएगा, और यहाँ रो 3 में 4, 2 है तो यहाँ कॉलम में 4, 2 आएगा, और इसका ऑर्डर हो गया 2/3। ये देखिए, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने 3/2 मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाले तो 2/3 बन गया। अगर आपको इसका उल्टा करना है, जैसे देखो अगर आपको फिर से अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसका ट्रांसपोज ये होगा, इसका ट्रांसपोज ये होगा। अब हम आपको दूसरा एक ऑर्डर लेके बताते हैं, जैसे 2/2 हमने लिखे -1, 0, 3, 2 ऐसा अगर हमने लिखे हैं, और अगर आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो ये होगा a to the power t, that is at, that is transpose of a is equal to, इसका भी ऑर्डर 2/2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो रो में है वो आपको यहाँ कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो -1, 0 यहाँ पे रो में है तो -1, 0 यहाँ पे कॉलम में आ गया, 3, 2 यहाँ रो में है तो 3, 2 यहाँ कॉलम में आ गया। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। इसी तरह से आप इसको 3/3 के फॉर्म में भी अगर है तो आप उसको भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, रो के एलिमेंट्स कॉलम में लिखना है और कॉलम के एलिमेंट्स रो में लिखना है, इट मींस रो और कॉलम का एक्सचेंज करना है। तो फाइनली ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स बनता है तो ऐसे मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां मैट्रिक्स लिख रहे हैं, जैसे ये है मैट्रिक्स ए और हम इसको लिखेंगे A, H, G, H, B, F, G, F, C। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर यही मैट्रिक्स आता है तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, माने जो रो में है वो कॉलम में लिखेंगे, 3/3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे रो में है A, H, G, इसी को यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे A, H, G, और यहाँ पे सेकंड रो में है H, B, F तो यहाँ लिखेंगे H, B, F हमने कॉलम में लिखे, और यहाँ थर्ड रो में है G, F, C तो ये देखिए ये हो गया G, F, C। यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये A मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो दोनों के दोनों ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम है। दोनों के एलिमेंट्स देखो, पोजीशन हर एक एलिमेंट अपनी अपनी जगह बराबर वैसा का वैसा ही है जैसा A में है। इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, इसका मतलब A मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आया तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसके साइन अगर चेंज हो जाए तो इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कैसे, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स ए, हम इसको मैट्रिक्स को तैयार करेंगे 0, A, B, 0, -A, 0, C, -B, -C, 0। देखिए ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिए मैट्रिक्स A, और ये मैट्रिक्स का अब हम ट्रांसपोज करेंगे। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर इसी का उल्टा आया, उल्टा इन द सेंस कि अगर वो निगेटिव में आया तो वो हो गया स्क्यू मैट्रिक्स। जैसे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, देखो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज में आपको क्या करना है, रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है। इसका मतलब जो यहाँ पे रो में है वो आपको यहाँ कॉलम में लिखना है। यहाँ पे रो 1 में है 0, A, B तो यहाँ कॉलम में लिखेंगे 0, A, B। यहाँ पे रो में लिखा है -A, 0, C तो लिखेंगे -A, 0, C, और यहाँ रो में लिखा है -B, -C, 0। ये देखिए फाइनली हमने ट्रांसपोज कर लिए। ट्रांसपोज करने के बाद क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ये देखिए ये रिलेशन यहां से बन रहा है, क्योंकि A का ट्रांसपोज करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आया है ये मैट्रिक्स वही आया है। अगर आप ये मैट्रिक्स को निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा, या उल्टा बोलो ये मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा। इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ये रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखिए। अगर कोई मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स अगर स्क्यूर मैट्रिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 2 3, 6, 8 ये देखिए ये हमने मैट्रिक्स ले लिए मैट्रिक्स ए। और अगर आपको इसका डिटरमिनेंट लिखना है तो डिटरमिनेंट हमेशा आपको ऐसे मॉड में लिखना है। देखिए इसको कहते हैं मॉड। ए के आजू बाजू आपको दो वर्टिकल लाइंस आपको ऐसा शो करना है तो ये उसका सिंबल हो गया। यहां पे हमने लिखा है मॉड ऑफ ए, इसका मतलब ए का मॉड, इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट। तो आपको क्या करना है, ये ए मैट्रिक्स को भी आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब मॉड फॉर्म में लिखना है। तो ये 2, 3, 6, 8 यहां लिखेंगे 2, 3, 6, 8। हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, इट मींस मॉड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये मॉड ऑफ ए इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए। और अगर इसको सॉल्व करना है तो यहां पे ये दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन माइनस साइन बीच में आएगा। क्या कहा हमने, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 × 8 - 6 × 3। देखो हमने लिखा यहां पे हो गया 16 - 18, तो ये हम लिखेंगे -2। सो मॉड ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिए -2, इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिए, दैट इज -2। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमें पढ़ना है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहा हमने, जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए, मतलब ऐसा मॉड करने के बाद अगर यहां पे अगर आंसर 0 आता है, इसका मतलब वो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे मैट्रिक्स लिख रहे हैं, मैट्रिक्स A = हम यहां लिखेंगे 2, 3 और यहां पे 12 और यहां पे 18। तो अब अगर यहां पे आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इट मींस अगर आप इसका मॉड निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो वो अगर 0 आ गया तो ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ ए इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमें इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है 2, 3, 12 और 18। और अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इट मींस ये दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 2 × 18 - 12 × 3, तो ये हो गया 36 - 36 0। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, इसका मतलब ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो ए मैट्रिक्स है इसी को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। अब लास्ट होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना आए वो मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाले, वो 0 नहीं आया, कुछ और आया, इसका मतलब ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थे वो सारे डेफिनेशंस मैट्रिसेस के जो आज हमने स्टडी कर लिए। और अब इसके आने वाले वीडियोस में इसके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिसमें हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें कवर करना है। तो इसके आने वाले वीडियोस में आप जरूर बने रहिए और सभी के सभी प्रॉब्लम्स आप स्टडी करिए। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।